यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान की चोरी हुई भैंस तो मिल गई, लेकिन उनकी भैंसों को लेकर खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आजम खान ने अपनी भैंस की तुलना क्वीन विक्टोरिया से की है। उन्होंने मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनकी भैंस क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनके तबेले की 7 भैंसें चोरी हो गई थी, जिसके बाद पूरी जिला पुलिस भैंसों की तलाशी में जुट गई थी और भैंसों को ढूंढ निकाला। लेकिन इसके बावजूद जिले के 3 पुलिस वालों पर गाज गिरी। भैंसों की तलाशी में पूरी जिला पुलिस को लगाने को लेकर आजम खान पर विरोधियों ने चौतरफा हमला भी किए, पर अब खुद आजम खान ने चुटकी ली है और अपनी भैंसों की तुलना क्वीन विक्टोरिया से कर दी है। बोलो मत। तो आजम खान की भैंसें चोरी हुई थी, उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आनन फानन में 36 घंटे के भीतर इन भैंसों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई और अब चुटकी लेते हुए आजम खान। मैं तो कहता हूं मेरे करीब आइए, मुझको अपना बनाइए या मुझे अपना बनाने दीजिए, मेरी भैंस को वो शोहरत हासिल है जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिले होंगे। आप जरा मेरी भैंसों का नसीब तो देखिए। अल्लाह में तो अपने नसीब तरश करता हूं, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। वाह रे मयारे जिंदगी क्या हुआ, वाह वाह वाह। आज तो एक साहब ने मेरी भैंस का गोबर सर पर उठा रखा है कार्टून में। जरा गौर तो कीजिए मेरी भैंसों का नसीब। इतनी इज्जत अफजाई है जब भी टीवी खोलते हैं तो मैं पीछे मेरी भैंसें आगे, मेरी भैंसें पीछे और उनका गोबर सर पे। मेरी दुआ है अल्लाह से मेरी भैंसों का गोबर सबके सरों पर आ जाए जो अभी तक नहीं उठा सकी।